अगला जो क्वेश्चन है 11th और 12th बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेस टू 4 प्लस आई रेस टू 6 प्लस आई रेस टू एस प्लस सो ऑन और प्लस आई रेस टू 20। तो बड़े आसान तरीके से इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ये 1 है, देखो ये आई स्क्वायर है, इसका अंदर बीच में जो वैल्यूज दी है वो भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर देखोगे तो ये आई स्क्वायर को आप माइनस 1 ले सकते हो डायरेक्ट, आई रेस टू 4 को 1 ले सकते हो, आई रेस टू 6 है या आई रेस टू 4 इंटू आई स्क्वायर कर सकते हो, आई रेस टू 8 को आई रेस टू 4 स्क्वायर कर सकते हो, आई रेस टू 9 को आप ऐसे कर सकते हो आई रेस टू 4 फिर आई रेस टू 9 है ना, तो एक काम करो आई रेस टू 8 इंटू आई रेस टू 1 कर दो, है ना, सब लेना पड़ेगा ये डॉटेड के अंदर। फिर आई रेस टू 10 को आप कर सकते हो आई रेस टू 8 आई स्क्वायर, फिर आई रेस टू 11 जो है सब 20 तक जाना है, आई रेस टू 11 को आई रेस टू 8 इंटू आई क्यूब, फिर आई रेस टू 12 को आई रेस टू समझो आप ऐसे ले सकते हो 4 क्यूब कर सकते हो आई रेस टू 12 को, ओके, आई रेस टू 13 को आप ऐसे कर सकते हो आई रेस टू 12 इंटू आई रेस टू 1, आई रेस टू 14 को कर सकते हो आई रेस टू 12 इंटू आई स्क्वायर, आई रेस टू 15 तो आई रेस टू 12 आई क्यूब, फिर आई रेस टू 16 तो 16 लिख दो 4 का मल्टीपल है डायरेक्ट, आई रेस टू 17 16 आई रेस टू 16 इंटू आई रेस टू 1, आई रेस टू 16 और आई रेस टू 2 18 हो गया, आई रेस टू 16 और 3 19 हो गया, और आई रेस टू 20 को आप डायरेक्ट लिखो आई रेस टू 4 रेस टू 4 5 या 20 या तो। अब इसको अच्छे से सॉल्व करते देखो क्या है, देखो 1 1, अच्छा ये 1 और माइनस 1 0 हो गया, कट कर दो 1 प्लस यहाँ से, हाँ आई रेस टू 4 क्या होता है 1 इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, चलेगा किया तो आई रेस टू 4 1 1 का स्क्वायर 1, आई रेस टू 8 1, देखो यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ आई रेस टू 4 8 12 16 ये जितने भी आएंगे सब 1 होता है, तो आई रेस टू 8 1 1 इंटू आई आई, तो आई को थोड़ा घुमा के लिखो, फिर ये आई रेस टू 8 1, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 तो ये माइनस 1 हो गया, फिर ये आई रेस टू 8 1 है, चलो इसको हटा दो, आई क्यूब माइनस 1 माइनस आई, हाँ माइनस आई, आई रेस टू 4 1 1 का क्यूब 1, आई रेस टू 12 1 1 इंटू आई आई, आई रेस टू 12 1 1 इंटू आई स्क्वायर क्या होता है माइनस 1 होता है प्लस, ये लेना है आई रेस टू 12 1 और आई क्यूब माइनस आई, ये लास्ट लाइन आई रेस टू 16 1 आई रेस टू 16 1 इंटू आई आई, आई रेस टू 16 1 1 इंटू आई स्क्वायर माइनस 1, आई रेस टू 16 1 और आई क्यूब क्या है माइनस आई है, और प्लस आई रेस टू 4 1 1 रेस टू 5 1 आ गया। अब फटाफट कैंसिल आउट कर दो, क्या बचता है देखो ये 1 और माइनस 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आई और माइनस आई कैंसिल, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल, ये आई और ये माइनस आई कैंसिल, ये 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आई माइनस आई कैंसिल, सिर्फ 1 रह गया, ओके 1, तो लास्ट में फाइनल आंसर 1 आ गया। ये है क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा लंबा चौड़ा था, 20 टर्म्स थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह से करना, 20 टर्म्स नहीं था, आई रेस टू 20 तक था, तो ये डॉट डॉट वाले भी हमने कंसिडर करके सिंपली कर दिया। जो 24th का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 2x माइनस 3y i प्लस 4i इज इक्वल टू 5, यहां पर हमें करना क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यहां पर x और y ये जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 10th में अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपने सीखा था वो यहां पर बहुत काम आने वाला है। कैसे होगा देखो, यहां पर x प्लस 2y है, कौन इसके साथ i नहीं है, रियल पार्ट है, ये 2x माइनस 3y यहाँ पर इसके साथ i है, इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर जो 4i है उसको उस तरफ ले जाओ तो 5 माइनस 4i हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल के इस तरफ ये रियल पार्ट है और ये i के साथ ये इमेजिनरी पार्ट है, इक्वल के बाद इसमें i नहीं है तो ये रियल पार्ट है और इसमें i है तो इमेजिनरी पार्ट है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड या तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इस तरह से आपको लिखना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो क्या आ जाएगा देखो यहां पर ये हो जाएगा x प्लस 2y, ये जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू 5, एंड जो दूसरा i के साथ क्या है देखो 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू i के साथ क्या माइनस 4, देखो ये प्लस था ये माइनस है तो माइनस 4, तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिल गए। अब ये दोनों इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दो, इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, एक्स की और वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करोगे, 10th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर किया था ना आपने, बिल्कुल उसी तरीके से। तो कैसे हो जाएगा देखो, यहाँ पर एक्स है 2 वाई है,
तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको 2 से मल्टी, या तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के उसमें रख दो, या यहाँ x है यहाँ 2x है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड करो या साइमल्टेनियस मेथड करो, ओके, या क्रैमर रूल से भी कर सकते हो, जैसे आपको लगे वैसे करो, यहाँ पर कोई मेथड बोला नहीं है, हमको सिर्फ x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये x कैसे आ जाएगा, x 2y उस तरफ गया तो 5 - 2y, मैंने x की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ये जो x की वैल्यू यहाँ रख दो, ओके, फ्रॉम 3 यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, x की जगह पर 5 - 2y, और ये x हट गया, 2 × x ये हो गया, -3y = -4, 2 × 5 = 10, -2 × 2 = 4y, -3y = -4। अब देखो ये हो गया -4y - 3y - 7y = -4, 10 उस तरफ गया तो -10, ये हो गया -7y = -14, -4 और -10 - 14 - - कैंसिल, y = 14, ये 7 यहाँ है तो डिवाइड हो गया इनटू, है ना, फिर 7 × 2 = 14, सो y = 2 हो गया, y की वैल्यू आई, लेकिन हमको तो x की वैल्यू भी चाहिए थी, तो x यहाँ पर है, देखो अगेन यू कैन राइट आफ्टर दिस फ्रॉम 3, या तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, क्या है देखो, x = 5 - 2y, 2 × y, और y कितना आया, 2, यहाँ 2 रख दो, सो x = 5 - 2 = 4, x = 5 - 4 = 1, हो गया, फाइनली आप सॉल्यूशन लिख दो, सॉल्यूशन क्या आएगा, पहले ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट में, या तो ऐसे लिखो x = 1 एंड y = 2, y2 और x1, इस तरह से आप लिख सकते हो सॉल्यूशन, ये हो गया आपका आंसर। देखो यहाँ से जो आपने किया ये टेंथ में आप सीखे हो, सिर्फ इतना ही अलग था रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना, कॉपी कर लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखो फटाफट, सेकेंड क्वेश्चन x + 1/(1+i) है प्लस y - 1/(1-i) = i है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करना, मैं x और y की वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वन ये जो है इसका 1 - i में मल्टीप्लाई, प्लस ये है y - 1 इसका मल्टीप्लाई 1+i में हो गया, एंड अपॉन डिनोमिनेटर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये क्या है 1+i इंटू 1 - i इनका मल्टीप्लाई हो गया = i है, सिंप्लीफाई करते जाओ अपने आप x और y की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ x का मल्टीप्लाई दोनों में करो, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, x × 1 x, x × -i - xi, 1 × 1 1, 1 × - i - i, फिर यहाँ भी करो y का मल्टीप्लाई दोनों में करो, y × 1 y, y × i, तो y i, -1 × 1 - 1 - 1 × this - i, अपॉन ये देखो ये क्या है a + b a - b, दोनों सेम है 1 और i, 1+1 - है, तो a + b × a - b क्या होता है, दोनों का स्क्वायर, a² - b² यानी 1² - i² इक्वल के बाद देखो i है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, यहाँ पर देखोगे तो ये +1 और -1 कैंसिल हो रहा है, और कुछ है कैंसिल हो रहा है नहीं, -i - i नहीं होगा, चलो अभी फटाफट इसको कर दे, ये x है x, फिर इसके साथ नंबर लाओ +y, x + y हो गया, फिर क्या नंबर दिख रहा है देखो यहाँ पर x + y, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, हाँ, फिर यहाँ पर देखोगे -xi, ये -xi, फिर +yi, ये हो गया देखो x +y, ओके -xi + yi, इसको चाहिए तो चलो ऐसे रखो, और कुछ बचा क्या, -i - i - 2i, ओके, और यहाँ पर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 - i² - 1 = i, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पर तीनों में i है, इन दोनों में i नहीं है, तो ये रियल पार्ट है x + y, और यहाँ पर हम ये ऐसे ले सकते हैं प्लस, कि प्लस वाई आई को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर -xi - 2i, इसमें से मैं i कॉमन ले लूँगा, ठीक है, और ये 1 - -+1 - 2 = i। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, ये x + y है जिसमें i नहीं है, प्लस इन तीनों में i है, i को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा y - x - 2, तीनों का i कॉमन, ये अपॉन 2 राइट साइड में गया तो 2 × i, i के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, अब कंपेयर करो, देखो कंपेयरिंग बोथ साइड, सो कैसे हो जाएगा देखो, यहीं पर करते एक स्टेप, x + y है ये रियल पार्ट, प्लस ये y - x - 2 × i = यहाँ पर देखो सिर्फ 2i है इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट होना चाहिए ना साथ में, नहीं है तो 0 ले लो, 0 + i 2i, जिसका रियल पार्ट नहीं हो उसको 0 ले लेना। अब क्या होगा देखो, कंपेयरिंग ये लिखना चाहिए हर बार, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट्स, ओके ऑन बोथ साइड, तो x प्लस वाई रियल है और यहाँ जीरो है, सो x प्लस वाई क्या हो गया जीरो, एंड यहाँ पर देखो y माइनस एक्स माइनस टू, वाई माइनस एक्स माइनस टू एंड दैट इज इक्वल टू i के साथ क्या है, यहाँ i के साथ टू है तो ये इक्वल टू टू हो गया। इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ एक्चुअल में ये हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस टू आ गया तो टू प्लस टू फोर हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर कहीं डाला नहीं था, इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो, इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो, इक्वेशन नंबर वन और टू को अगर ऐड करते हैं तो सिंपल ये सॉल्व हो जाएगा, एडिंग वन एंड टू क्या हो जाएगा देखो, एक्स माइनस, अच्छा लिख के देखना तो ऐसे लिख के देख लो इस तरह से, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर ऐड कर दो, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, वाई वाई टू वाई, जीरो प्लस फोर फोर, वाई इज इक्वल टू फोर अपॉन टू टू, वाई क्या आ गया टू फ्रॉम वन, फ्रॉम वन क्या है देखो वन में एक्स प्लस वाई इज जीरो, एक्स प्लस वाई इज जीरो तो वाई की जगह टू रख दो, एक्स प्लस वाई की जगह टू रखा सो एक्स क्या आ गया प्लस टू आ गया तो माइनस टू क्या आ गया देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ओके हो गया। फाइनली आप सोल्यूशन लिख दो, एकदम ईजी है देखो बच्चा, जरा भी टेंशन नहीं, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू टू हो गया ना सॉल्व। अब देखो ये आंसर आ चुका है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है बहुत ही आसान है, टेंथ के मेथड से करना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें आप आंसर मैच करते हो तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, पीछे जो आंसर दिया हुआ है बैक साइड में। तो देखो बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन मैंने परफेक्ट करके दिया है, एकदम राइट आंसर है। तो पीछे जो आंसर जीरो क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पर है ना अगर x माइनस वन होता ना, अगर ये माइनस वन, अगर करेक्शन हम करते हैं ये प्लस की जगह माइनस वन होता तो यहाँ पर x की जगह जीरो आता, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बुक में x प्लस वन दिया है तो इसका आंसर यही आएगा। ओके आप करके देख लेना, यहाँ माइनस वन करोगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ करेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ फिलहाल इसको कॉपी कर लो, मेथड सीख लो, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए चेंज करके आए, प्लस हो माइनस हो जो दिया हो हम इसको इस तरह से करेंगे, परफेक्ट आंसर है। पीछे आंसर मैच इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर माइनस वन होना चाहिए था तो प्लस वन दिया है, प्लस वन दिया है तो हम प्लस लेके ही करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में भी अभी जो मैं आपको बताऊंगा थर्ड क्वेश्चन, वहां पर भी एक प्लस दिया हुआ, जहां माइनस होना चाहिए था तो आंसर मैच होता, प्लस दिया तो जो हमको दिया हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो अगला देख, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के अंदर क्या करना है, फाइंड द वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है। एक इस तरह से आप देखोगे पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 इफ एक्स इज इक्वल टू टू प्लस थ्री है। यहां पर एक्स के फॉर्म में एक इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं है पॉलिनोमियल है, इक्वेशन में इक्वल टू आना चाहिए और जो एक्स की वैल्यू हमें दी है टू प्लस थ्री है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर फाइव, ये क्वेश्चन नंबर शायद मिस्टेक है, ओके क्वेश्चन नंबर वन है ये, तो कैसे करना है देखो दो तरीका बताऊंगा। एक तो सिंपल तरीका, जनरली आप क्या करते हैं जो एक्स की वैल्यू है उठा के यहाँ पर रख देते हो, अगर एक्स की वैल्यू टू रहता सिर्फ तो x की जगह 2 रख दे तो सॉल्व हो जाता, बट यहाँ पर 2 प्लस 3 आई है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप क्या करोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ रख दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। सीधा तरीका कि जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर डाल दो x की जगह पर। एक दूसरा तरीका है डिवीजन मेथड होता है कि आप ये जो दिया हुआ है इसके इमेजिनरी नंबर को हटा के, यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको जो है एक रियल नंबर में कन्वर्ट करोगे या इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे और उस इक्वेशन से इसको डिवाइड करोगे और इजीली हमको आंसर आ जाएगा, बट वो मैं उससे कर सकते हैं वो सेकंड क्वेश्चन में आपको तरीका बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल तरीका बताता हूँ कि अगर आपको समझे वो नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैं बताने जा रहा हूँ जो काफी इजी है। क्या करेंगे देखो x की वैल्यू 2 प्लस 3i, यहाँ जहां भी x है यहाँ पर 2 प्लस 3i रख देना, 2 प्लस 3i और इसका क्यूब हो गया माइनस x की जगह पर 2 प्लस 3i उसका स्क्वायर हो गया, फिर x हो गया x की जगह पर 2 प्लस जहाँ भी x है वहाँ पर 2 प्लस 3i प्लस 46 है ना, जहाँ भी x है वहाँ पर 2 प्लस 3i रख दिया। अब यहाँ पर 2 प्लस 3i है अच्छी बात है, 2 प्लस 3i का स्क्वायर है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा दोगे, 2 प्लस 3i द होल क्यूब है तो a प्लस बी द होल क्यूब लगा दोगे, लेकिन अगर 2 प्लस 3i रेस टू 4 रहता यानी x रेस टू 4 अगर रहता तब ये तरीका नहीं काम आएगा। तो मैं जो सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा जिस तरीके से उसी तरीके से सारे क्वेश्चन ऐसे करना है आपको, फिलहाल तो मैं सिंपल बता देता हूँ हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो a प्लस बी द होल क्यूब क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म, आपको फॉर्मूला आता होगा वैसे करो, देन 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब 3i क्यूब, तो ये सिर्फ इसका एक्सपेंशन हुआ। अब इसका करोगे तो ये माइनस है, चलो ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये बहुत लंबा जाएगा बट एक तरीका है, इसीलिए क्यों दूसरे तरीके से करना डिवीजन मेथड से इसलिए आपको जानना जरूरी, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
फिर ये 2 प्लस 3 आई द होल स्क्वायर है, तो कैसे आएगा, फर्स्ट टर्म ए प्लस बी द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 आई प्लस 3 आई द होल स्क्वायर, ये हो गया इसका। फिर ये क्या है देखो, प्लस 2 प्लस 3 आई प्लस 46, ये आ चुका है। अब आगे किया जाए इसको, अब क्या करो, इसको एक्सपांड कर दो, क्या आएगा देखो, 2 क्यूब 8 प्लस देखो 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 3 36, ओके 36 हो गया। फिर आई, अब प्लस देखो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 3 जा 54 और साथ में ये आई स्क्वायर आ गया, प्लस 3 का क्यूब 27 और आई क्यूब आ गया, देन माइनस, अब सबका साइन भी चेंज होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 2 जा 4, 3 जा 12 हो गया आई, फिर माइनस प्लस माइनस, ये 3 का स्क्वायर 9 और आई स्क्वायर हो गया। फिर देखो ये प्लस 2 प्लस 46, इसको 48 कर दो, 46 और 2 और ये प्लस 3 आई कर दो। अब क्या करो, जो आई वाले टर्म्स है उसको एक साथ ऐड कर सकते हो और जो आई स्क्वायर वाले है उसको एक साथ ऐड कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर 36 आई, ओके, और माइनस 12 आई और प्लस 3 आई, इन तीनों को मैं सॉल्व करता हूँ, 36 आई और माइनस 12 आई कितना हो जाएगा, 36 एक साथ लिख दो, चलो 36 आई माइनस 12 आई और प्लस 3 आई, इसको एक साथ लिख दिया आई वाले जो टर्म्स है। फिर यहाँ देखो आई स्क्वायर वाले कौन कौन है, 54 आई स्क्वायर माइनस 9 आई स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दो, 54 आई स्क्वायर माइनस 9 आई स्क्वायर एक साथ आ गया। अब आई क्यूब का देखो ये अकेला है, 27 आई क्यूब, आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई लिख दो इसकी जगह पे। अब नंबर जो को, ये जो जो हो गए उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नंबर कौन बचे, 8 माइनस 4 प्लस 48, क्या बचा, 8 माइनस 4 प्लस 48, 8 माइनस 4 प्लस 48 क्या आ जाएगा देखो, 36 आई माइनस 12 आई 24 आई, 24 आई प्लस 3 27 आई आ गया, प्लस ये हो गया देखो 54 माइनस 9 45 आई स्क्वायर आ गया, ये 27 इंटू माइनस माइनस 27 आई आ गया, और प्लस ये देखो 8 माइनस 4 4, 4 प्लस 48 52 आ गया। देखो ये 27 और माइनस 27 आई कैंसिल हो गया, 45 और ये आई स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस 52 हो गया, 45 इंटू माइनस 1 माइनस 45 प्लस 52 हो गया, 52 माइनस 45 क्या हो जाएगा 7, 52 बड़ा है तो उसका साइन प्लस है तो प्लस 7। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में 1 करना है। ये जो मैंने बताया है ये सीधा सीधा x की वैल्यू रख के बताया, बट आपको डिवीजन मेथड से करना है। मैं अभी सेकंड क्वेश्चन में आपको डिवीजन मेथड सिखाऊंगा कैसा होता है, और वो सीखने के बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन भी डिवीजन मेथड से करना। एग्जाम में अगर आपको ये आता है तो डिवीजन मेथड से ही करने की कोशिश करो, ऐसे किए तो भी मार्क्स मिलेगा। मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे करके भी आंसर आता है, लेकिन हम डिवीजन मेथड इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो क्यूब से ज्यादा पावर आए तो अब आप क्या करोगे, है ना, हर क्वेश्चन डायरेक्ट रख के सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसको कॉपी करो, सेकंड बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ के अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ में सेकंड क्वेश्चन, ये क्या दिया है, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 इफ x इज इक्वल टू 25 अपॉन 3 माइनस 4y। क्वेश्चन मैच करना बहुत जरूरी है, कभी कभी हम क्वेश्चन ही गलत लिख देते हैं तो आंसर तो गलत ही आएगा। x इज इक्वल टू, चलो ये सही है। अब देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर x की वैल्यू अपॉन में नहीं थी पहले क्वेश्चन में, पर यहाँ x की वैल्यू अपॉन में है, तो अब ये x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रखोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा सॉल्व करना। तो क्या करना है, डायरेक्ट पहले तो ये जो x की वैल्यू है ना, v है वो, ऐसे लिखो, ये जो x की वैल्यू है क्या है, 25 अपॉन 3 माइनस 4i। इस x की वैल्यू में देखोगे अपॉन के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें i है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, 3 माइनस 4i है ना, 3 माइनस को प्लस करना, 4i से मल्टीप्लाई, 3 प्लस 4i और 3 प्लस 4i ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना। होगा क्या, यहाँ पर अपॉन में करोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी ये फॉर्मूला लग जाएगा, और a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4i, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहले 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर हो जाएगा। इस 25 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, 25 इंटू देखो ये है ना इस तरह से, 25 इंटू दोनों में, 25 3 जा 75 प्लस 25 इंटू 4 100 आई, ये आ चुका है। इसको और सिंप्लीफाई करो, x इज इक्वल टू 75 प्लस 100 आई, इन दोनों को प्लस मत कर देना, इसके साथ आई है इसके साथ आई नहीं है, प्लस नहीं करना। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और आई स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 75 प्लस 100 ये अलग ही रहेगा, प्लस नहीं होगा, 9 माइनस 6 आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 16 प्लस 16 हो गया। सो x इज इक्वल टू 75 प्लस 100 i अपॉन 9 प्लस 16 25,
तो क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू ये 25 जो है यहाँ ऊपर से चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 75 है ना, तो इसमें से 25 कॉमन ले लेते हैं। 25 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 25 थ्री जा 75 होता है और 25 फोर जा, तो इस तरह से 25 मैंने ऊपर से कॉमन लिया और नीचे और ऊपर 25 कट किया, तो x की वैल्यू आ गई 3 + 4i। तो देखो अब पहले क्वेश्चन जैसा बन गया, जो ये था और जो x की वैल्यू थी इस तरह से था ना 3 + 4i। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया वैसे करोगे तो भी चलेगा, बट वैसे मत करो जानबूझ के, मैं बता रहा हूँ। इजी तरीका है डिवीजन मेथड। क्या तरीका होता है, जैसे x इज इक्वल टू 3 + 4i, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, ये 3 को इस तरफ लाओ तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4i हो गया। 3 प्लस यहाँ था ना, यहाँ के माइनस 3 हो गया। इमेजिनरी नंबर को अलग करना, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, दोनों साइड का स्क्वायर हमेशा ऐसे ही करना जैसे बता रहा हूँ आपको, हमेशा इस तरह से रियल प्लस इमेजिनरी नंबर होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इस जो भी नंबर होगा उसको x के पास लाओ, i वाले को अकेला कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर करो, जिससे ये i हट जाएगा, ये a माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 × x × 3 6x + 3² 9 आ गया, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और i स्क्वायर हो गया, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x + 9 इज इक्वल टू, ये i स्क्वायर माइनस 1 होता, माइनस 1 × 16 माइनस 16 हो गया, सो x स्क्वायर माइनस 6x + 9, माइनस 16 यहाँ है तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x + 16 और 9 25 होता है। सो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। हमेशा इस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी आप करोगे ये मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो x की वैल्यू ऐसे नहीं दी थी, डायरेक्ट ऐसे दी थी, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी स्टार्टिंग में इतना करते तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता। उसके बाद क्या करना होता है, हमें डिवीजन करना होता है। डिवीजन कैसे करेंगे, इस तरह से आपको डिवीजन लिखना है, जो क्वेश्चन है वो लिख दो, 2x³ - 11x² + 44x + 27, जो क्वेश्चन है वो लिख दो, उस क्वेश्चन को, इसको, इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया x² - 6x + 25, ये जो आया इसको अच्छे से लिखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा लाइन इस तरफ ले लेते, क्या है देखो, x² - 6x + 25, इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये 2x³ लाना है अभी हमें, 2x³ कैसे आएगा, x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ आएगा, तो हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आएगा, बट x³ आना चाहिए, तो 2x, सो ये x² और x मिलके x³, और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ x² का 2x में, तो 2x³ आया। अब यहाँ पर माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया, सेम था, समझ में आया, लेकिन ये 2x का मल्टीप्लाई सिर्फ x² में होगा क्या, नहीं, इस 2x का मल्टीप्लाई हमने x² में करके ये तो लाया, बट 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों में भी करना पड़ेगा, क्योंकि x² के साथ ये दोनों भी है, तो आप ये 2x का मल्टीप्लाई -6 में करो, तो 2x × −2 × −6, तो -12 और x², फिर 2x का मल्टीप्लाई 25 में करो, 25 × 2 = 50 और x, इसका साइन माइनस हुआ था, ये माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, साइन चेंज कर देना है आपको। अब देखो ये क्या होगा, -11x² और +12x², ये माइनस भूल जाओ, ये प्लस है, 12x² और -11x², 12 में से 11 गया तो 1 और x² तो 1x², 12 बड़ा है पॉजिटिव, प्लस आ गया, 44x और -50x, साइन चेंज हुआ ना, सबट्रैक किए तो 44 में से 50 माइनस करना, मतलब 50 में से 44 गया तो 6x, दोनों में बड़ा कौन है 50, उसका साइन ये प्लस नहीं है माइनस है, और यहां पर क्या है +27 जो बचा था उसको नीचे कॉपी कर लिया। अब इस x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 1 का करना पड़ेगा, दोनों सेम है ना, तो +1 का मल्टीप्लाई तीनों में करोगे, 1 × x² 1 × −6x, फिर 1 × 25, तो 25 ये आ गया। अब क्या करोगे, सबट्रैक्ट, सबका माइनस करो, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, x² −6x + 6x 0 हो गया, 27 − 25 2 हो गया, बड़ा नंबर 27 है तो +2 आया, तो ये आ चुका है। अब देखो ये हमने क्या किया है, एक डिवीजन मेथड किया, इस डिवीजन मेथड में क्या होता है कि ये डिविडेंड होता है, एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू द डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप क्या करो, इस क्वेश्चन को यहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेकेंड है क्वेश्चन को, जो ये पॉलिनोमियल है इसको px मान लो, हाँ क्वेश्चन को, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये डिविडेंड मतलब px है, डिविडेंड मतलब ये पूरा होता है, इसको हमने px मान लिया,
अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन इनटू, देखो ये जो होता है ना ये डिविडेंड होता है और ये जो आता है ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, ये डिविडेंड, और ये जो आया ये क्वेश्चन आया और ये रिमाइंडर आया, शेषफल बोलते हैं, ये भागफल इसको क्वेश्चन बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखो, 2x प्लस 1 इंटू डिवाइजर क्या है देखो, डिवाइजर एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 ये है, और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर ये जो नीचे आता है 2। अब आप बोलोगे अरे ये तो क्या आ गया, एकदम इजी आ गया, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 जीरो है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है माइनस 6x है, मैं माइनस को मैंने प्लस लिख दिया, ये माइनस है देखो, ये माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 जीरो है, ये वाली वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर कुछ भी होने दो, 2x प्लस 1 इंटू जीरो प्लस 2, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो इंटू ये पूरा जीरो हो गया प्लस 2, सो आ गया 2, सिर्फ 2 वैल्यू आ गई। देखो कितना आसानी से हमने 2 ला दिया, हमने कोई वैल्यू रखी नहीं, कुछ नहीं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन करें तो ये तो करना नहीं था फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि अपॉन में दिया नहीं था, सीधे ये वाला दिया था इस तरह से। तो आप क्या करोगे, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उससे इस पॉलीनोमियल को डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखना, डिविडेंड मतलब ये है जो मेन क्वेश्चन है हमारा, यानी जो पॉलीनोमियल है उसको पी एक्स नाम दिया, तो ये पी एक्स 2 आया। अब ये पी एक्स की जगह लास्ट में ये लिख सकते हो क्या, 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27 इज इक्वल टू 2, इस तरह से आप फाइनल आंसर में ऐसे डाल सकते हो, समझ में आ गया ये। तो जैसे ये फिफ्थ में सेकेंड है, इस तरह से फर्स्ट भी आप करना, फर्स्ट यहां से इतना करना है।